आज हम भाषा संगम की श्रृंखला में संस्कृत इस भाषा के संवाद बोलने वाले हैं। अतः मैं माननीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन वर्ग और मेरे सभी सहपाठियों से निवेदन करता हूँ कि वे संस्कृत के संवादों को दोहराएं। In English we say hello, in Hindi we say namaskar, in Sanskrit we say namo namah, In English we say what is your name, in Hindi we say aapka naam kya hai, in Sanskrit we say bhavatah naam kim, In English we say my name is Lakshmi, in Hindi we say mera naam Lakshmi hai, in Sanskrit we say mama naam Lakshmi asti, In English we say how are you, in Hindi we say आप कैसे हो, in Sanskrit we say भवतः कथम अस्ति, In English we say I am fine, in Hindi we say मैं ठीक हूँ, in Sanskrit we say अहम कुशली अस्मि, अब प्रांजल आपको सारे संस्कृत के संवाद बोलकर दिखाएगा। नमो नमः, भवतः नाम किम्, मम नाम लक्ष्मी अस्ति, भवती कथम अस्ति, अहम कुशली अस्मि। अब मैं आपको संस्कृत भाषा का महत्व बताऊंगा। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी सम्मिलित किया गया है। यह उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। विश्व में विद्यमान समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, जो मधुर सब प्रकार के दोषों से रहित अति ललित पवित्र तथा वैज्ञानिक भाषा है। वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि सभी भारतीय संस्कृति के ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अब हम कुछ संस्कृत के श्लोक आपको सुनाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस संसार में अवतार लेकर प्रकट होता हूँ, ऐसे भगवान ने अर्जुन से कहा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितान्ना तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह मेरा है, वह उसका है। जैसे विचार केवल संकुचित मस्तिष्क वाले लोग ही सोचते हैं, ये विस्तृत मस्तिष्क वाले लोगों के विचार से तो यह संसार एक कुटुंब है। यशन विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तप, न दान, न शील, न गुण, न धर्म, वे लोग इस पृथ्वी पर भार है और मनुष्य के रूप में जानवर की तरह घूमते रहते हैं। धन्यवाद।